दर्शकों नमस्कार, इन बीसीएन के खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संजय मिरे। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि शहर भर में किस प्रकार से घटनाएं हुई है। हर घटना के ऊपर में हमारी होती है पैनी नजर, जो हम आपको बताने जा रहे हैं खास रिपोर्ट में। तो आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। अपराध शाखा यूनिट 4 की बड़ी कार्रवाई आज की गई है। गश्त के दौरान यह सूचना मिली थी कि चीन भवन में एक टेम्पो में विदेशी शराब अवैध तरीके से ले जाया रहा है। अपराध शाखा की यूनिट 4 ने जाल बिछा कर इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। टेम्पो सहित विदेशी शराब को जब्त कर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। शराब की कुल कीमत 2,28,000 बताई जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक अशोक मेश्राम की मार्गदर्शन में की गई। उपराजधानी में हत्याओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं उपराजधानी में आपराधिक मामले किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। उपराजधानी में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। शहर में कानून व्यवस्था बिगड़ती नजर आ रही है। पिछले 48 घंटों में 3 हत्याकांड के मामले सामने आए हैं, जिससे उपराजधानी दहल उठी है। शनिवार को मानकापुर में बनारसी नाम के युवक निक्की शैलेंद्र गायकवाड़ की, जो माड़ा क्वार्टर निवासी है, उसकी पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गई थी। रविवार की रात यशोधरा नगर में राजू रंभाड़ नामक व्यक्ति को 2 युवकों ने चाकू मारकर उसकी भी हत्या कर दी थी। इसके अलावा तीसरी हत्या कपिल नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत हुई है, जहां पर उपलवाड़ी परिसर में 2 लोगों ने बहन की छेड़छाड़ के मामले में एक कुख्यात गुंडे को मौत के घाट उतार दिया। इन सभी हत्याओं से नागरिक में भय का माहौल पैदा हो गया है। दर्शकों, जहां एक और आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, इस काम को करने के लिए राज्य के गृह मंत्री भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और उन्होंने यह दावा किया है कि शहर में बढ़ते आपराधिक मामलों की दर को कम करेंगे ही। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस ओर पहल करते हुए सोमवार को एक शिविर का आयोजन किया, जिसके तहत शिकायतकर्ताओं को अपनी परेशानी सामने रखने को कही। इस शिविर को लोगों ने अच्छा प्रतिसाद दिया। इस दौरान 300 से अधिक शिकायतें दर्ज की गई, जिससे गृह मंत्री की उपस्थिति में 50 में से 8 आपराधिक मामलों में अपराध दर्ज किए गए। उन्होंने इस सफल प्रयास के बाद राज्य के अन्य भाग में इस योजना का लाभ लेने के संकेत भी दिए हैं। दर्शकों, आप रुक करते हैं कोरोना को लेकर। कोरोना का संक्रमण दिन ब दिन बढ़ रहा था, लेकिन डॉक्टर की टीम ने उसे कई हद तक के अंकुश लगा दिया गया है, जिसके चलते अब कोरोना मरीजों की संख्या भी कम होते नजर आ रही है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अब रुक करते हैं आज की कोरोना के मामलों की ओर। यह एक समाधानकारक बात है कि पिछले 2 दिनों में कोरोना के सकारात्मक दर में काफी कमी आई है। आज 6,813 कोरोना परीक्षण के बाद 457 संक्रमितों के साथ शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 91,132 पर पहुंच गई। वहीं 19 मौतों के में नागपुर में कुल मृत्यु का आंकड़ा 2,967 पहुंच गया है। 81,856 संक्रमितों के ठीक होने के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 89.82% है। उम्मीद है जिस तरह से संक्रमित आंकड़ों में कमी आई है, वैसे ही आगे भी होगी, यदि हम प्रशासन के नियमों का पालन करें, साफ रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। तो दर्शकों, इसी के साथ फिलहाल इस लाइव अपडेट यानी खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए एनबीसी न्यूज़ नागपुर। नमस्कार।